जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक बुधवार को विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय से पूरा कर ले। उन्होंने निर्देश दिए कि 50 लाख के ऊपर की परियोजनाओं की जाँच हेतु जिन अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है वे शीघ्र जाँच आख्या प्रस्तुत करे। जाँच के समय कार्यदायी संस्था की उपस्थिति रहे। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर बल देते हुए कहा कि निर्माण कार्य मानक के अनुरूप होने चाहिए। इस अवसर पर स्वच्छ पेयजल की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि पेयजल योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण किए जाने तथा जल की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित हो ताकि सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि निराश्रित गौवंश को संरक्षित करने तथा टीकाकरण कार्य को प्रमुखता पर किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करें तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर एसपी पांडे सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन जो आंगनबाड़ी बननी चाहिए आप मुझे 3D डिजाइन करके दिखाएं। जो चिन्हित भारत सरकार से क्या है 56 और आएंगे, 19 सॉरी अभी है 56 और आएंगे, टोटल 75 है। वो जो आंगनबाड़ी आप बनाओगे और मुझे आपको 3D पिक्चर दिखाओगे। जितने भी हमारे एक्सियन है, जैसे अभी PWD की किसी जान ले लीजिए, हमने सैनिक स्कूल का बहुत अच्छा मॉडल बनाया। अगर आप 3D में उसकी पिक्चर देखोगे आपको समझ आ जाएगा कैसे होता है। विद ऑल TLMs बच्चों के पास किसी वीडियो से पूछ लीजिए, उसमें वीडियो को इन्वॉल्व कर लीजिए, टीम बना लीजिए, तीन चार दिमाग काम करेंगे तो अच्छी कार्यवाही हो जाएगी। NRC सेंटर देख लीजिए, NRC में आपको बहुत अच्छी चीज़ें पड़ी मैंने देखी है। यहाँ जिला अस्पताल में या आप PRD वो एक उस माइंड को रखते हुए पूरा उसमें काम करोगे आप लोग। 19 गाँव का हमारे पास अभी फंड है, उसका देख लो आप, ये मुझे आप करके बताओगे ठीक है। लेकिन आपका सर इनका एक जल कल मिशन और लघु सिंचाई सर जल जीवन मिशन के लिए नागा कंस्ट्रक्शन कंपनी के भी लोग आज मैंने बुलाए जा रहा है, क्योंकि जो लिस्ट इनको दी गई है तो उस लिस्ट में ये बता रहे हैं कि उसमें इनको बोला कि इसमें आप मत करिए काम। तो आप बताइए क्या समस्या आ रही है जल। पहले सर ये लघु सिंचाई बोले बनाए गए थे, अभी पीछे एक लेटर आ गया इनको हटा के फिर जल निगम को दे दिया। तो जल निगम और ये कोऑर्डिनेशन का जो प्रॉब्लम है अभी बता दीजिए फिर हम स्टार्ट करेंगे। तहसीलदार साहब और ब्लॉक में तहसील ऑफिस में दोनों में सर क्या है क्या प्रॉब्लम और किस एरिया में लैंड अवेलेबल है। आप जो कौन है